अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दारे अरकम ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर मिस अरीबा और उम्मीद करती हूं आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे चार हरफी अल्फाज। टीचर ने आपको ये ऑनलाइन क्लासेस में पहले भी पढ़ाए थे और आज टीचर आपको वापस रिवाइज करा रही है ताकि आप इनको बहुत अच्छे समझ लें, इनकी प्रैक्टिस करें ताकि आप आसानी लिख सकें। ठीक है, चार हरफ़ी अल्फाज कौन से होते हैं? चार हरफ़ी अल्फाज वो होते हैं जो किसी चार हरूफ को मिला के बनाए जाएं। ओके, ये देखिए सबसे पहले टीचर के पास कौन सी तस्वीर है? ये है बाजा। कौन सी तस्वीर है? ये बाजा। और बाजा की शुरू की आवाज़ क्या है? ब। और उसके बाद कौन सी आवाज़ आ रही है? ब और ब आ की आवाज़ आ रही है ना। तो देखते हैं बाजा हम किस तरह लिखेंगे। बाजा भी हम चार हरूफ की मदद से लिखेंगे। सबसे पहले नीचे बा की आधी शक्ल बनाएंगी, उसके बाद किसकी आवाज़ आ रही है? आ की आवाज़ आ रही है, तो टीचर बा की फ्रेंडशिप आ से कराएंगी। बा बा। उसके बाद जा की आधी शक्ल बनाएंगी और उसकी फ्रेंडशिप भी किससे कराएंगी? आ से कराएंगी। तो ये क्या बनेगा? बाजा बाजा। इसी तरह ये कौन सी तस्वीर है? ये है चाटा। कौन सी तस्वीर है? ये चाटा। और चाटा भी हम किस तरह लिखेंगे? चाटा भी हम चार हरूफ की मदद से लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे? च। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? च। उसके बाद किसकी आवाज़ आ रही है? आ की आवाज़ आ रही है, तो हम इसमें क्या मिलाएंगे? आ मिलाएंगे। च आ च, ट आ ट, चाटा बाजा चाटा बाजा चाटा। इन दोनों तस्वीर में कौन सी आवाज़ आ रही थी? आ की आवाज़ आ रही थी। अब ये देखिए मेरे पास एक और यहाँ एक तस्वीर है, तो ये कौन सी तस्वीर है? ये है मोटा। कौन सी तस्वीर है? ये मोटा। मोटा भी हम चार हरूफ की मदद से लिखेंगे, लेकिन मोटा में हमें किसकी आवाज़ आ रही है? ओ की आवाज़ आ रही है। सब बच्चे मेरे साथ बोलें मोटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ऊ की आधी शक्ल बनाएंगे लाइक दिस, और इसके साथ हम मनाएंगे ओ। ओ मो, ओ मो। टा की आधी शक्ल बनाएंगे और उसके बाद हम इसकी किससे फ्रेंडशिप कराएंगे? आ से। ट आ ट, मोटा मोटा। इसी तरह मेरे पास यहाँ कुछ और भी तस्वीर हैं। ये कौन सी तस्वीर है? ये है जाली। कौन सी तस्वीर है? ये जाली। और जाली को हम किस तरह लिखेंगे? जाली भी कौन सा अल्फाज है? चार हरफी अल्फाज है। और इसको हम लिखेंगे, पहले हम जा की आधी शक्ल बनाएंगे, उसके बाद हम इसको किससे मिलाएंगे? इसके बाद किसकी आवाज़ आ रही है? आ की आवाज़ आ रही है, तो हम इसमें आ मिलाएंगे। ज आ ज। उसके बाद ली हम कैसे लिखेंगे? पहले ल की आधी शक्ल बनाएंगे और उसके बाद हम ई मिला देंगे, तो क्या बन जाएगा? जाली जाली। ये कौन सी तस्वीर है? बाली। कौन सी तस्वीर है? ये बाली। गर्ल्स वेयर करती है ना बाली, तो बाली भी हम किस तरह लिखेंगे? पहले हम बा की आधी शक्ल बनाएंगे और इसकी फ्रेंडशिप हम किससे कराएंगे? आ से कराएंगे। तो ये क्या बन जाएगा? ब आ ब। इसी तरह उसके बाद ली कैसे बनाएंगे? पहले हम ल की आधी शक्ल बनाएंगे और इसकी फ्रेंडशिप किससे करा देंगे? ई से। तो ये क्या बन जाएगी? बाली जाली बाली। इनकी आखिर की आवाज़ क्या आ रही है? ई आ रही है। जाली बाली। ये कौन सी तस्वीर है? ये हैं पौधे। क्या हैं ये? प
पौधे। और पौधे हम किस तरह लिखेंगे? पौधे लिखना भी बहुत आसान है। सबसे पहले हम प की आधी शक्ल बनाएंगे और इसके बाद किसकी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? प में प ओ पो, वेरी गुड, प ओ पो। और इसके बाद हम क्या लिखेंगे? दे, पौधे। ठीक है बच्चों, उसके बाद ये कौन सी तस्वीर है? ये हैं जूते। क्या हैं ये? जूते। और जूते लिखना भी बहुत इजी है। जूते हम किस तरह लिखेंगे? सबसे पहले हम ज की आधी शक्ल बनाएंगे और इसके बाद आप लोगों को किसकी आवाज़ आ रही है? ओ की आवाज़ आ रही है, तो हम इसकी ओ से फ्रेंडशिप कराएंगे, जाऊ जू। फिर उसके बाद हम त की फ्रेंडशिप ए से कराएंगे, जूते, जाली, बाली, पौधे और जूते। आप सबने देखा कि टीचर ने आज जो जो आपको तस्वीर दिखाई है वो कितने हरूफ की मदद से बनती हैं? चार हरूफ की मदद से। ठीक है, जाली में हम कितने हरूफ यूज़ करेंगे? चार हरूफ, ज अ ज इ ली, जाली। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों को वीडियो बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। आप सब लोग को अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बहुत सारी प्रैक्टिस करिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।